नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो सितंबर 2014 में आई थी, वो 7.5 सालों बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है और हजारों परीक्षार्थी दिन रात मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बीएसएससी और नीतीश सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। दूसरी तरफ बीएसएससी सीजीएल 2 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी भी सितंबर 2014 में आई थी और वो बहाली 2018 में पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। यानी कि 2014 के बाद न तो स्नातक स्तरीय और ना ही इंटर स्तरीय कोई वैकेंसी बीएसएससी ने निकाली है, जबकि सचिवालय में 70% से ज़्यादा सीटें खाली है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के विकास का काम कैसे हो रहा होगा जब सचिवालय में ही 70% से ज़्यादा सीटें खाली है, तो फिर बिहार का विकास कैसे हो रहा होगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और लाखों युवा, लाखों स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उन्हें रोजगार चाहिए। और बिहार में रोजगार का साधन क्या है, यहाँ न कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, तो सरकारी नौकरी ही बिहार में युवाओं के रोजगार का मुख्य साधन है और सरकारी पदे खाली है। इसके बावजूद भी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सचिवालय में 70% से ज़्यादा सीटें खाली है और 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। और आप देख रहे होंगे कि 2018 से ही हर एक 2-3 माह पे अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपवाई जाती है कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी 3,000 पदों पे, तो कभी 2,400 पदों पे। द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी 30,000 पदों पे, कभी 40,000 पदों पे, तो कभी 50,000 पदों पे आने की बात कह दी जाती है। और ये खबर ऐसा नहीं है कि अखबार वाले अपने मन से छापते हैं, अखबार वाले अपने मन से खबर नहीं छापते, बल्कि नीतीश सरकार द्वारा और बीएसएससी द्वारा ये खबर भेजी जाती है मीडिया को। आखिर अखबार वाले अपने मन से बार बार ये खबर क्यों छापेंगे? अखबार वाले तभी छापते हैं ना जब उनको बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा या बीएसएससी के अधिकारियों द्वारा ये खबर भेजी जाती है कि हम अगले महीने इतने सीटों पे वैकेंसी निकालने वाले हैं, तब अखबार वाले छापते हैं। तो इसमें गलती बीएसएससी और नीतीश सरकार की है, क्योंकि नीतीश सरकार और बीएसएससी जानबूझकर बिहार के युवाओं को गुमराह कर रही है, उनको धोखे में रख रही है और नई वैकेंसी का लालच देकर छात्रों को गुमराह कर रही है। और ये नीतीश सरकार चाह रही है कि कोई आंदोलन वगैरह ना हो, इसीलिए हर एक 2-3 महीना पे ये खबर बाहर दे दी जाती है ताकि मीडिया वाले उसको चला दे कि अगले महीने 30,000 तो कभी 40,000 सीटों पे ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आ रही है, तो सचिवालय सहायक की 2400 तो कभी 3,000 वैकेंसी आ रही है। 2018 से ही ये खबरें चली आ रही है। अब आप सोचिए कि अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई। आप याद कीजिए कि जनवरी 2021 में और जनवरी 2022 में भी ये खबर छपी थी कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, सचिवालय सहायक की भी और द्वितीय इंटर स्तरीय की भी। फरवरी में भी ये खबर छपी कि फरवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। 2021 में आप देखिए, 2021 में जून में खबर छपी कि जून अंत तक ये वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। जून अंत में खबर छपी कि 3 दिन में वैकेंसी आएगी, नहीं आई वैकेंसी। कभी खबर छपती है कि अगले सप्ताह वैकेंसी आ रही, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई। और 2018 से सिर्फ और सिर्फ छात्रों को छला गया, उनको गुमराह किया गया। तो नीतीश सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालिए जो 3,000 लगभग सीट है, और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली जो लगभग 40,000 सीट खाली है, 40,000 है लगभग, तो इन दोनों की वैकेंसी आप जल्द निकालिए। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल से लटकी हुई है, उसको भी आप जल्द पूरा कीजिए और कोई बहानेबाजी मत कीजिए, कोर्ट का बहाना मत बनाइए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए। कोर्ट में बीएसएससी से अपील कर रहे हैं कि कोर्ट में अपने वकील को प्रेजेंट कीजिए और 2 मार्च को जो सुनवाई होनी है वो किसी भी हाल में आपका वकील एब्सेंट नहीं होना चाहिए या कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो भी छात्र कोर्ट केस में हैं, इन्वॉल्व हैं, जो कोर्ट में केस किए हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी किसी भी तरह का नया डॉक्यूमेंट्स मत ऐड कीजिए अब, या फिर वकील को किसी भी परिस्थिति में एब्सेंट आपका नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स भी केस किए, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आपका भी वकील किसी भी परिस्थिति में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिए कि आपका भी वकील प्रेजेंट होना चाहिए और कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
और हर हाल में 2 मार्च को सुनवाई हो जाए, इसके लिए आप सभी प्रयास कीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह करें कि आप लोग भी अपने वकील को प्रेजेंट कीजिए और 2 मार्च को हर हाल में सुनवाई हो, इसके लिए आप पूरा प्रयास कीजिए। और जो स्टूडेंट्स कोर्ट में केस किए हैं उनसे भी आग्रह करें कि आप लोग भी कुछ भी नया मत कीजिए, कुछ भी नया डॉक्यूमेंट सब मत दीजिए और अपने वकील पे दबाव बनाइए कि किसी भी परिस्थिति में आपका वकील भी एब्सेंट ना हो और 2 मार्च को हर हाल में सुनवाई हो जाए और फैसला इसका आ जाए। एनसीएल मुद्दे पे न्यू एनसीएल और जो जाति प्रमाण पत्र वाली बात थी तो जाति प्रमाण पत्र को तो मान लिया गया, न्यू एनसीएल वाली बात है तो उस मुद्दे पे जल्द डिसीजन आ जाए, यानी 2 मार्च को ही डिसीजन आ जाए और उसके बाद ये बहाली जल्द पूरी हो, जल्द मेरिट लिस्ट निकले और एक भी सीट खाली न रहे। हम यही चाहते हैं और सरकार से भी और बीएसएससी से भी मांग कर रहे हैं कि एक भी सीट खाली न रहे और ये बहाली जल्द पूरी की जाए, क्योंकि 7.5 साल लंबा समय होता है। इतना लंबा समय एक वैकेंसी में लगाना, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, मानवता के आधार पर भी विचार करें, मानवीय रुख अपनाएं बीएसएससी। और आप सभी छात्रों से भी अब आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए और जो लोग जैसे SC ST कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके दुख दर्द को भी हम समझ रहे हैं, या फिर जिनके पास ओल्ड NCL है तो उनको भी हम समझ रहे हैं कि उन लोग को चाहत है कि जल्द मेरिट लिस्ट निकले। तो यकीन मानिए कि जितनी जितनी चाहत और जितनी इच्छा आपकी है कि ये बहाली जल्द पूरी हो, उससे लाख गुना ज़्यादा दिलीप कुमार की इच्छा है कि ये बहाली जल्द पूरी हो, क्योंकि आप लोग को नौकरी लेनी है इस बहाली से। लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं लेनी है, फिर भी मैं इस बहाली में शुरू से लगा हुआ हूँ, चाहे वो PT का रिजल्ट के लिए हो, PT के एग्जाम के लिए हो, या फिर काउंसलिंग के लिए हो, या और भी जिस चीज़ के लिए हो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि ये जल्द बहाली जल्द पूरी हो जाए। तो आप लोग आपस में मत लड़िए। और कुछ लोग जैसा कि ये कह रहे हैं कि केस हम करवाए हैं, तो मैं बता दूं कि कोर्ट केस के मामले में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं और ना ही हूं, चाहे वो केस के लिए फंडिंग की बात हो या किसी भी तरह की बात हो। मैं किसी भी तरह के केस में या फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं हूं और नहीं रहना चाहता हूं। और जो लोग मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए, जल्द निकलवाने के लिए केस की बात कर रहे हैं, इंटरवेनर के रूप में केस करने की बात कर रहे हैं, तो उनसे भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप केस करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, मैंने कभी मना नहीं किया है। 15 तारीख के बाद भी आप लोग कर रहे थे तो मैंने कहा कि भाई आपकी मर्जी, आप करना चाहे कीजिए लेकिन सोच समझ के कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। और अभी भी आपको यही कर रहे हैं, 2 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, 2 तारीख से पहले तो आप 1 तारीख को आप केस कीजिएगा नहीं, तो 2 तारीख को देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग केस करना हो केस कीजिए, हम रोक किसी को नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए कि ये बहाली में लेट लतीफी ना हो, बहाली जल्द पूरा हो, इसके लिए आप लोग को जो प्रयास करना है कीजिए। अगर आपको लगता है कि केस करने से जल्द बहाली हो जाएगी तो आप स्वतंत्र हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन ये सोच समझ के कीजिए जो भी करना हो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख को, 2 मार्च को डिसीजन आ जाए, सुनवाई पूरी हो जाए और डिसीजन भी आ जाए और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल जाए। अगर 2 तारीख के बाद जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो बीएसएससी की गलती हो या फिर स्टूडेंट्स जो केस किए हैं उनकी गलती होगी, तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दिलीप कुमार बोल रहा है, आप भरोसा रखिए, अगर 2 मार्च को चाहे वो जिन्होंने केस किया उनकी गलती हो, अगर वो कोई गलती करेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और बीएसएससी अगर कोई गलती करती है, वकील को प्रेजेंट नहीं करे या कोई नया बखेरा खड़ा करे, तो बीएसएससी को भी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आप लोग एकजुट रहिए। और अभी हम 2 मार्च से नालंदा जिला से शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 12 सूत्री डिमांड है, जिसमें पहला डिमांड बीएसएससी को लेकर ही है, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरी हो और नई वैकेंसी यानी CGL 3 की और द्वितीय इंटर स्तरीय की जल्द निकाली जाए, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, धांधली रोकी जाए। इसके अलावा भी और मुद्दे हैं, तो 2 मार्च से हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं और 4 मार्च को नालंदा में श्रम कल्याण मैदान में आंदोलन होगा, हस्ताक्षर अभियान भी होगा। तो आप लोग साथ दीजिए और जो लोग भी इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहते हैं हमें फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656 और बिहार के हर जिले में ये हस्ताक्षर अभियान और ये आंदोलन चलेगा। आप सभी साथ दीजिए, बारी बारी से हर जिला जाएंगे। 2 मार्च को हम नालंदा पहुंच रहे हैं और 4 मार्च को नालंदा में श्रम कल्याण मैदान में आंदोलन होगा और हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। और उसके बाद नवादा में, फिर गया में, औरंगाबाद में और मुंगेर में, भागलपुर, यानी कि बिहार के हर जिले में होगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।